किसान दिवस के अवसर पर कृषि विभाग के तत्वाधान में हरित क्रांति कृषि उन्नत योजना के तहत सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जनपद स्तरीय किसान मेला एवं कृषि प्रदर्शनी का आयोजन एनएक्सी भवन के परिसर में किया गया। इस अवसर पर खजनी के विधायक संत प्रसाद सहजनवा, के विधायक शीतल पांडे, पिपराइज के विधायक महेंद्र पाल सिंह तथा उप कृषि निदेशक संजय सिंह, जिला कृषि अधिकारी अरविंद चौधरी सहित संबंधित अधिकारी और कृषक मौजूद रहे। प्रदर्शनी का उद्घाटन अतिथियों द्वारा फीता काट कर किया गया। इस दौरान अतिथियों ने प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया और कृषि उत्पादों के संबंध में जानकारी ली। इस अवसर पर खजनी के विधायक संत प्रसाद ने कहा कि कृषि प्रदर्शनी से किसानों को नई तकनीकी की जानकारी मिलेगी और नई पद्धति से खेती करने का तरीका मिलेगा और उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विधायक संत प्रसाद व मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा। शक्तिमान ब्रांड इनका है और यूरिया तो बहुत पॉपुलर है, बाकी भी बहुत पुराना है सर, टाटा ग्रुप का है, पिछले साल का रखा है। ये हाइब्रिड धान सेगमेंट में है और सब्जी पेस्टिसाइड सब में है। ये वाला धान का दिखा है, बीज कहा गया था किट बना के सब बीज मिला के कुछ उधर बगल बहुत बड़े बड़े इसको उसमें आप सेट करके चला इसमें, हाँ इसमें लगा देते हैं दोनों तरफ से, फिर रोटेट करता है जैसे कल्टीवेटर रोटावेटर। और ये सोलर से चार्ज होता है, खेत में लग जाएगा सोलर पैनल और बैटरी चार्ज होती रहेगी। अरे बीज का सैंपल, बीज का सैंपल, खुद किसान है सर, मेला है। ये तरबूज है सर, ये हमारे तरबूज क्या होगा, तरबूज क्या लौकी या जो लौकी और करेली, तो आते ही बस लगाना है सर। ये ऑल सी ऑल सी जब वैरायटी आती थी, लौकी और करेली नहीं है करो, करेला एक ट्राई जो जरूरत है वो देबा नहीं करोगे। अब बायो ऑर्गेनिक में, नमस्कार सर, बायो ऑर्गेनिक में हम काम करना शुरू कर दिया काफ़ी लार्ज स्केल पे, और ऑर्गेनिक तरीके से कीट नियंत्रण, इसमें ट्राई कार्ड है, ट्रेप कार्ड है, जैसे इसमें है ये गन्ने में है, ये लगा देंगे ट्राई कार्ड, इससे कीट नियंत्रण हो जाएगा। या फल मक्खी है इसे टांग, खाना बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, मिट्टी का फ्रिज है, कुकर है, खाना बनाने के लिए दाल चावल आप इसमें बना सकते हैं डेली। कहाँ से है ये सब बनता, कहाँ है सर? ये गुजरात से भी बनता है और हमने औरंगाबाद में भी शुरू किया धीरे धीरे, हाँ यहाँ के भी किसानों से यूरोपियन इंडेक्स यहाँ पे मिल गया है। और ये मिट्टी का फ्रिज है हमारा, इसमें 7 से 10 दिन तक जो भी फ्रूट्स है बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के इसमें मतलब तरोताजा रहेगा, और ये आपका परसेंटेज आएंगे, बाकी 98% आपको मिलेगा। और इसमें यहाँ से पानी भरना है, 7-10 दिन बाद इसको यहाँ से खोल के निकाल दीजिए, और ये पूरा का पूरा सब्जी रिफ्रेश रखेगा और कोई इलेक्ट्रिसिटी इसमें कहीं से भी कोई यूज नहीं है। और किसानों का है मेन अट्रैक्शन सर ये है कि स्ट्रॉबेरी की खेती हमारे 4-5 किसान ने शुरू कर दी है। जी सर, जी सर, ये गधा का लगा हुआ है सर, उनोला गाँव में सर, आपके ब्लॉक में उनोला, उनोला उनोला का भी कर रहे हैं, धर्मेंद्र सिंह कर रहे हैं। इसके अलावा सर भी बारिश की वजह से इस बार जो वो चरबेरा है वो भी थोड़ा सा फ्लावरिंग लेट हो गई सर हमारी। आ रहे हैं ना सर, तो दिक्कत ना हो तो फिर आप दिखा दीजिए कहाँ करता है।
तो ये बहुत ग्राहक वाले आपको ही टोकन निकालना है और निकाला था जान जाता है मिल गाय छूटा जानवर कोई भी जानवर ले गए जैसे क्या होता है वो जी सल्फर आयरन है बेले में तो हम है उपस्थित है यहाँ बेले में क्योंकि हम लोग भी कहीं ट्रेनिंग देते हैं या बताते हैं तो जरूरत पड़ती है ये किसानों को प्रोत्साहन तब तक नहीं मिलता जब तक उन्हें पता नहीं चीज़ें अभी तक वो लोग नहीं बना रहे वो वही बता रहे हैं पांच पांडव गणेश जी की और ये सब और बेच भी रहे हैं साउथ तक ट्रक में लद लद के साउथ तक जा रहे हैं उनका तुरंत हाजिर कर दिया आने के लिए अगर आपका ऑफिस नहीं चलाएगा कभी नहीं करा लेकिन ऑफिस अब प्रदर्शनी का मतलब है दिखावा होता है जो भी कृषि से संबंधित कृषि विभाग का एक कार्यक्रम है कि कृषि से संबंधित जितने भी उत्पाद हैं जैविक खाद हैं रासायनिक खाद हैं बीज हैं और सबका निरीक्षण किया गया फिर सभी उपलब्ध थे क्या बताया गया क्या कहना चाहिए ये किसानों को प्रोत्साहित करने का एक माध्यम है और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर किसान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार को बधाई देता हूँ इससे किसानों को और जागरूकता आएगी किसानों के अंदर जागरूकता आएगी जो किसान इसमें नहीं हैं वो लाभ लेने के लिए आगे आएँ उनको लाभ मिलेगा फिर हाँ इसमें भी किसानों के लिए जो नई नई टेक्नोलॉजी है और हमारे कृषि विभाग मत्स्य प्राण विभाग पशुपालन विभाग और सहकर्ता ने मिलकर प्रदर्शनी लगाई है और जो जो भी उनके लिए स्कीमें चल रही है जो 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 भी सब्सिडीज़ है सबकी जानकारी दी जा रही है इसमें जो हम जो खेती के साथ जो सहायक खेती करने के लिए धंधे हैं उसको बढ़ावा देने के लिए हमने ज़्यादा उसको दिया है